औरंगाबाद में भी अक्षय नवमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर पूरे विधि विधान के साथ आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर आंवले के वृक्ष की पूजा करते हुए अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। आंवले के वृक्ष की पूजा की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और इसकी पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की भी परंपरा है। औरंगाबाद में अदरी नदी के किनारे माँ शारदा मंदिर के प्रांगण में आज महिलाओं ने अक्षय नवमी के इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ पूरा किया और बाद में व्रत कथा को भी सुना। आज के दिन ब्राह्मणों को गुप्त दान करने का भी खास महत्व होता है और इसे शुभ माना जाता है। आज के दिन दिया हुआ दान कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय दान भी कहा जाता है। इस दान को करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आंवला वृक्ष के नीचे आज जो पूजा होता है अक्षय नवमी का, ये पूजा सुहागनें अपने पति के दीर्घायु के लिए करती हैं और ये गुप्त दान होता है। इसके नीचे ब्राह्मणों का भोजन भी कराया जाता है और खुद भी किया जाता है ये। और इस दिन जो कुछ भी दान किया जाता है ये अगले जन्म के लिए भी रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। आंवला वृक्ष जो है उसको धात्री फल हम लोग कहते हैं भी आंवला को, और विष्णु भगवान की पूजन होती है। विष्णु भगवान स्वयं वास करते हैं तुलसी में और आंवला वृक्ष में भी, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें जो है से वास लिए हुए हैं विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान का ही पूजन खास करके ही है। कार्तिक महीना जो होती है इसमें नवमी को दिन अक्षय नवमी व्रत किया जाता है। महिला लोग अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए सुहागिन जो है पूजन करती हैं कि हमारा पति की दीर्घायु हो, हमारे पति जो है विष्णु के रूप में हैं, उनके हम अपना दीर्घायु के लिए जो है से पूजन कर रहे हैं। इसी तरह से प्राचीन काल से चली आ रही इस तरह का अक्षय नवमी व्रत कथा। अक्षय नवमी को जो भी काम आप कीजिएगा, दान पुण्य या किसी भी कार्य को करते हैं, अच्छे रहता है। जो कि आपका पूर्व जन्म किया हुआ फल जो मिलता है, जैसे आप कुछ भी करते हैं दान पुण्य, उसका आपका जो है से फल मिलता है। अच्छे कर्म का ही फल अक्षय होता है। तो अक्षय नवमी का मतलब है कि आप अच्छा काम करें।